नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां आपको दिखाएंगे हर राज्य की बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और खबरों को शेयर और लाइक अवश्य करें। नीमच जिले के नवनियुक्त एसपी महोदय का ध्यान आकर्षित हो। कुबटेश्वर तहसील मनासा जिला नीमच मध्य प्रदेश शासन के टैक्स की चोरी करते हुए इस तरह धड़ल्ले से बिना परमिशन के ट्रक ट्रैक्टर इस तरह निकल रहे हैं, दिन दहाड़े दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं और न्याय करने वाले मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी निकल रही थी। नीमच रामपुरा रोड न्याय पुरुष को भी रोड पर वो ही निकल रहे थे और साइड नहीं दिया गया। इसको लेकर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कुबटेश्वर थाने पर सूचना दी। तत्काल 5 ट्रैक्टर को थाने यहाँ कुबटेश्वर थाना प्रभारी जयदीप राठौर के द्वारा थाने के नजदीक रोड के किनारे 3 दिन तक खड़ा रखा। उसके बाद न्यायालय के द्वारा आज उन्हें छोड़ दिया। उक्त बात ट्रैक्टर चालक के द्वारा बताई गई, जबकि नियम अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बगदा ले जाने की परमिशन नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और कोई भी रोक टोक नहीं है। इस तरह पशु के खाने का बगदा इस मध्य प्रदेश राजस्थान की ओर जाएगा तो मध्य प्रदेश की गौ माता पशु बगदाचार के लिए तरस जाएंगी। नवनियुक्त एसपी महोदय अंकित जी जायसवाल जिसे पशुपालकों द्वारा आने जाने वाले राहगीरों की सुरक्षा हेतु मांग की गई। इस तरह से 4 बगदा ले जाने वाले बिना परमिशन चोरी चिपके निकलने वाले मालकों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, मजिस्ट्रेट साहब निकल रहे थे। ये बात जनचर्चा के अनुसार बताई गई। देशों से राजू पटेल के साथ दशरथ मारी गई।